असत पर सत की जीत के पर्व विजयदशमी के अवसर पर एडीजी दावा शेरपा मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता, आईजी जय नारायण सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी शलभ माथुर, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे तथा एसएसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने मंडल एवं जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि त्यौहारों को शांति सद्भाव के साथ हर्षोल्लास से मनाएं, त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। दशमी के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। व्यवस्था, व्यापक व्यवस्था की गई है। जो जुलूस है, विसर्जन का स्थल है या जहां पर रामलीला या मेले लगे हैं, वहां पर व्यापक पुलिस की व्यवस्था है। जनता को इसमें त्यौहार में इस प्रकार के भय खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ओर से समस्त मंडल के निवासियों को और गोरखपुर शहर के निवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना है कि पर्व सभी के लिए हर्षोल्लास लेकर जनपदवासियों को, मेरी तरफ से सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। विशेष रूप से जाते हैं हमारे उन पुलिसकर्मियों को भी जो कि इस दौरान जो है अपने ड्यूटी में मुस्तैद रहेंगे, जाते हैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से जाते हैं समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से जाते हैं हार्दिक शुभकामनाएं। जी दर्शक सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं विजयदशमी का, सब लोग शांतिपूर्वक मनाएं, मेरा शुभकामनाएं। दशमी जनपद वासियों को नवरात्र विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ही शांति सौहार्द हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं, इससे मेरी कामना है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सभी लोगों को लगातार चल रही वरिष्ठ अधिकारी लगातार राउंड पे हैं और पुनः जैसे कि हमें पता है कि विजयदशमी का त्यौहार उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को इस पर्व पे शुभकामनाएं देता हूँ और बड़े ही खुशहाल उनके लिए त्यौहार हो, ये विशेष देता हूँ मैं। विजयदशमी के अवसर पर हम सभी यातायात विभाग की तरफ से समस्त जनपद वासियों को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। इन शुभकामनाओं के साथ में हम लोग का अनुरोध यही है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करें, चार पहिया चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं, तीन सवारियां न चलें और यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे सुरक्षित होकर अगला दशहरा भी सभी लोग मनाएँ।